तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए जोश के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़िया हूँ गाइस। तो आज की वीडियो में एक नया गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है कार फॉर सेल। तो आपने ये काफ़ी पॉपुलर गेम आपने सुना होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स खेलते हैं जैसे टेक्नो गेमर जो आई। तो भाई आज इस गेम को हम भी ट्राई करने जा रहे हैं, उसके हम आगे पार्ट भी लाएंगे अगर आप कहोगे तो। तो भाई आ चुके हैं हम अंदर। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले सफाई करनी है, ये जितना भी कचरा पड़ा है ना, ये हमें एक गैराज मिला है अभी छोटा सा, मतलब अपने लिए एक शॉप मिली है, तो जल्दी से सफाई कर लेते हैं। तो भाई ऑफिस में आ चुके हैं भाई, कितना ही बड़ा ऑफिस है भाई, बढ़िया लग रहा है। एक ही अपना कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पर चलते हैं। ओके, इसमें हम साइन पर चलते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे वरव मोटर्स। तो लिख लेते हैं जल्दी से वरव मोटर्स, एक मिनट गलत हो गया ये। ओके, एकदम बढ़िया भाई, इसे थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं, वाइड एंगल में है ना। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाँ अब सही लग रहा है ना भाई। कलर थोड़ा वाइट रखेंगे, अब रेड भाई बढ़िया नहीं लग रहा, वाइट ही रखते हैं, ब्लैक भी बेकार लग रहा है भाई। वाइट ही रख लेना गाइस, और आप मेरे को कमेंट में बता देना कि मेरे को कैसे करना चाहिए। नहीं तो भाई हम गैरेज को भी ले सकते हैं भाई, 2 लाख 1 लाख भाई, इतना महंगा महंगा गैरेज है भाई ये। तो भाई अभी हम पे तो है नहीं, और फ्लोर भी चेंज कर सकते हैं इसमें हम चाहें तो, अभी नहीं हम करेंगे। और अंदर का फ्लोर भी चेंज कर सकते हैं इसमें, और भाई बढ़िया है एकदम। तो यहाँ पे मार्केट में जाके हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं ब्रो, इसमें तो बढ़िया है। तो बैक चलते हैं, अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है कम्प्लीट। अब हमें एक गाड़ी चाहिए भाई, अब हमारे पास हमारा मोटर्स खुल चुकी है वरम मोटर्स। और ये क्या कर रहा है, होमलेस बंदा, इसे हायर कर लेते हैं भाई। अब देखो ये हमने हायर कर लिया है, अब हम इसे वीकली 500 रुपये देने पड़े करेंगे, और ये हमारी सफाई खुद कर देख रहेगा, हमें नहीं करनी पड़ेगी रोज। और देखो सामने है ये ऑटो कार सेंटर, तो देखो भाई यहाँ पे रिपेयर होगी, पेंटिंग वेंटिंग यहीं हो सकती है पास में। तो हमें सबसे पहले बस स्टॉप पे चलते हैं, और हमें बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास अभी गाड़ी नहीं है। तो हम आ चुके हैं नेव रोड में, और यहाँ पे भाई लैंड क्रूजर खड़ी है भाई, बढ़िया। कितनी महंगी है यार ये गाड़ी, ओ भाई गॉड, 22,000 की। अभी हमारे पास सिर्फ 15,000 हैं, उसमें से भी भाई 10,000 हो चुके हैं खर्च, आई थिंक 500 भी खर्च हो चुके हैं हाँ गाइस ट्रैवल करने में। तो इसके भाई ये 13,000 में है, ओके बढ़िया है। देखते हैं और गाड़ी, इसको और देख लेते हैं यहाँ पे पहले, उसके बाद आएंगे, पहले इसे चेक कर लेते हैं। ये गाड़ी थोड़ी पुरानी टाइप की लग रही है, लेकिन है बढ़िया कंडीशन में लग रही है मेरे को भाई। 1992 का मॉडल है, तो भाई $5,300 में दे रहा है ओनली, दे तो भाई सस्ती रहा है, लेकिन भाई पुरानी बहुत है गाड़ी है, इस गाड़ी को अभी देखते हैं भाई। तो भाई मैंने काफ़ी सारी गाड़ी देखी, पर मेरे को ये गाड़ी समझ आई है, क्योंकि भाई ये एक तो 2015 मॉडल है, और इसका भाई चली भी बहुत कम है, 40,000 किलोमीटर चली है कुल। तो भाई $13,000 में ले रहा है, तो ये हमने कर लिए बाय। तो भाई गाड़ी तो लग रही है एक ओके, तो इसे लेकर चलते हैं अपने घर पे सबसे पहले। भाई हॉर्न भी सही है, हॉर्न भी हमने चेक कर लिया और जाके ब्रो, और इंजन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन आई थिंक रिपेयर करवा लेंगे, और थोड़ा बहुत जो भी डैमेज होगा गाड़ी में, तो इसे लेकर चलते। देखो भाई इस पीछे भी थे, मैंने यहाँ देखा नहीं। तो ब्रो आ चुके हैं हम काफ़ी देर में, मेरे को मिला नहीं था मेरा कार शोरूम किधर है, क्योंकि पहली बार खेल रहा था ना। तो आ चुके हैं अब यहाँ पे रिपेयर से, भाई कितनी ज़्यादा रिपेयर होगी भाई, साइड्स के पीछे से आगे से, तो इतने रिपेयर होते हैं, इतने हम घूम के आते हैं। तो भाई अपना व्हीकल हो चुका है रिपेयर, और गाड़ी वो लेके चलते हैं भाई बाहर। अब इसमें पेंट वेंट कराएंगे, इसमें देखते हैं ये क्या करेगा, पेंटिंग कैसा पेंट है इसके पास, कितने का दे रहा है। अब हमारे पास भाई $1 बचा है क्या ओनली, भाई इतने कम, सारे उड़ा दिए मैंने। ये स्मूथनेस भाई, ये तो महंगे ले रहा है भाई पैसा, अभी रहने दो भाई, हम पे पैसे नहीं है अभी, इस गाड़ी को लेके चलते हैं ब्रो यहाँ से। वैसे गाड़ी है कौन सी भाई, समझ नहीं आ रही, इसका थोड़ा सा क्रेटा सी लग रही है पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने मोटर्स में ले आए हम, और इसे अभी पार्क करते हैं पीछे को एकदम बढ़िया से। ओके एक मिनट, अभी ठुक जाती भाई, बच गई गाड़ी, नई गाड़ी अभी रिपेयर करवा के लाए, अभी ठुक जाती। ओके ओके, यहाँ पे कर देते हैं पार्क थोड़ी सी आग करके। हाँ अब चलते हैं भाई अंदर शोरूम में, और अपने कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर ऑन कर लिया, वेब पेज पे चलते हैं, और यहाँ से कार फॉर सेल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इस, अरे भाई फ़ोटो नहीं करनी यार इसमें मेरे को, देखो भाई 0% डैमेज है क्योंकि मैंने रिपेयर करवा ली है। अब इसके प्राइस सेट कर देते हैं भाई, कितना करें, 30,000 करके देखे ना, डबल कर रहे हैं हम, मेरे को पता है, लेकिन नहीं 35,000 करते हैं भाई,
ट्राई करेंगे 35,000 रुपये। भाई दिखाई नहीं रहा 35,000 रुपये तो, क्योंकि भाई 13,000 रुपये तो हम लाए हैं। देखो भाई मैंने काफ़ी सारा प्राइस ट्राई किया लेकिन 20,000 रुपये ही होगा जिसमें हमारा फ़ायदा है। वैसे हमारा फ़ायदा इसमें होगा ही, तो हमने 20,000 रुपये कर दिया ये टिक। तो अब देखो भाई कस्टमर्स भी आ चुके हैं, 3 कस्टमर्स आ चुके हैं और देखते हैं भाई ये कितने में ले रहे हैं। ओके ये भाई कह रहे हैं $20,000 में ही दे देंगे, ले लेंगे। ओके भाई बढ़िया। और दोनों से भी पूछ लेते हैं, आई थिंक सेम ही प्राइस होगा ना, बढ़ा के थोड़ी नहीं बताएगा। इससे और पूछ लेते हैं, इसका भी साइज बताया इन्होंने। तो भाई ये भी इतना ही कह रहे हैं तो भाई सेल कर देते हैं इन्हीं को। तो भाई रात हो चुकी है और हमने अच्छा गाड़ी बेच दी भाई आज के दिन ही। अब करते हैं अपने शोरूम को क्लोज और सोने चलते हैं। तो बस अड्डे पर चलते हैं भाई। भाई रोज़ बस में पकड़ के यार $10 हमें खर्च, रोज़ के $20 खर्च होते हैं आने जाने के, और ट्रैवल करने के अलग होते हैं। तो भाई अभी देखो हमारे पास सिर्फ ये एक छोटी सी वैन है जिसमें हमें सोना और ये तख्ते से भी सो रहे हैं भाई। तो आज का रिजल्ट है गाइस ये $6,383 हमने आज कमाए हैं। ओके तो डे हो चुका है और वापस चलते हैं ब्रो अब अपने ऑफिस पे। पहले ऑफिस पे चलेंगे और उसके बाद कहीं गाड़ी ढूंढने। तो आ चुके हैं अपने ऑफिस पे और देखो भाई अपना जो हमने केयर टेकर रखा था, देखो मतलब काम कर रहा है भाई, वो सफाई कर दी है उसने भी एकदम बढ़िया। अब हमें भी चलना चाहिए आई थिंक, अब चलते हैं ब्रो जल्दी से। तो भाई कार मार्केट पे भी चलते हैं आज, कार मार्केट शायद खुल रही होगी, शायद कभी कभी खुलती है, मेरे को ऐसा पता नहीं ज़्यादा। तो भाई कितनी ही गाड़ियाँ भाई, टेस्ला भी है भाई, क्या है? पूछते क्या रेट में दे रहा है। ओ भाई इतनी महंगी लैंड क्रूज़र है भाई, कितने में दे रहा है क्या? हाँ भाई $19,000 में दे रहा भाई, इतने मेरे पास हैं लेकिन मेरे पास नहीं बचेगा ज़्यादा। तो भाई मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देख ली लेकिन मेरे को समझ नहीं आई, अब मैं सोच रहा लैंड क्रूज़र को ही ले जाता हूँ। और भाई देखते हैं, बढ़िया गाड़ी लग रही है भाई लैंड क्रूज़र, तो टोयोटा लैंड क्रूज़र, तो इसे निकाल लेते हैं भाई जल्दी से। और भाई अब हम ट्रैवल करके ही जाएंगे, हम भी अपने लिए पर्सनल गाड़ी लेंगे यार, कौन बार बार ट्रैवल के पैसे दे। पर अभी नहीं, अभी हमारे पास पैसे है ही नहीं भाई, कुल $592 बचा है अब हमारे पास। हम पता नहीं रिपेयर होगी कि नहीं, देखते हैं भाई कितना डैमेज है गाड़ी में, कमी हो तो भाई सही। अभी तो गाड़ी खड़ी है भाई सामने, क्या? ओके हट गई भाई, चली गई गाड़ी, तो आगे लगा लेते हैं, ये नीचे जा रहा था। ओके गाड़ी से उतर चुके हैं और पूछते हैं भाई क्या है। भाई $1,200 में इतनी डैमेज है भाई लैंड क्रूज़र यार, इतने ज़्यादा हम पे तो पैसे भी नहीं है यार इतने। अब क्या किया जाए, अब इसे एक सोच रहा हूँ मैं, इसे वॉश करवा के लाते हैं भाई, अब हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, अब इसे क्या ही बेचें, अब वॉश करवा के ही बेचेंगे इसे, अब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे वैसे। तो वॉश करवाने के लिए लेके चलते हैं यहाँ से, और देखो आपको दिख जाएगा, देखो भाई गाड़ी भी यहाँ पर है ना ऐसे ही चलाती है पब्लिक। ओ भाई ठुक गई यार, वैसे ही बहुत डैमेज था गाड़ी में, और ज़्यादा ठुक गई। यहाँ पर अपना पेट्रोल पम्प और वॉशिंग यहीं हो जाती है। और सर से पूछते हैं क्या ही रेट में वॉश कर रहे हैं हमारी गाड़ी, और भाई $100 में हो रही है, तो बढ़िया वॉश हो रही है अपनी गाड़ी और हो चुकी है एकदम चमचमाते हुए क्लीन। बैठ जाते हैं, अब ये क्या हो गया यार, ओ ओके वो वहाँ पे यहाँ आ गई टो के अपने आप ही भाई, टो कर दिया यार गलती से। ओ भाई टो के $500 अपने खर्च हो गए भाई, जितने भी थे हमारे पास भाई, क्या ही मतलब कि हमारा पैसा ख़राब हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है टो में ही खर्च हुए हैं यार, कितनी डैमेज है भाई अपनी गाड़ी देख रहे हो। तो अब भाई शोरूम में लेके चलते हैं, अपना हो चुका है नुकसान बहुत बड़ा वाला, अब हमें क्या ही इसे अब अच्छे दाम पे बेचने की कोशिश करेंगे, पर पता नहीं बिकेगी नहीं, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा डैमेज है ना गाड़ी, बहुत ज़्यादा। बस क्लीन है, थोड़ी सी पेंट भी नहीं हो रहा गाड़ी पे, पेंट के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, सारे उड़ गए भाई। और गाड़ी को थोड़ा सा बैक करके लगाते हैं एकदम बढ़िया सी पोजीशन में। ओके भाई डाइक क्या ही टायर है ना गाड़ी के, एकदम मोटी मोटे टायर बढ़िया लग रहे हैं, थोड़े से आग कर लेते हैं। ओके और इसे एक मिनट अंदर चलते हैं भाई, और कंप्यूटर पे इसे लगाते हैं कार फॉर सेल पर, वेब पेज पे चल के, और जल्दी से देखते हैं भाई। 60% डैमेज है भाई गाड़ी, देख रहे हो कितनी डैमेज है गाड़ी। तो रेट भाई फिक्स करते हैं, मैं सोच रहा हूँ $40,000, हाँ 30,000 करें क्या, 30,000 कर देते हैं क्या? नहीं भाई 40,000 में ही मज़ा आएगा, 40,000 क्योंकि भाई महंगी गाड़ी है, इतने मिल जानी चाहिए ना इसके गाड़ी के प्राइस। तो हो चुकी है गाड़ी हमारे कंफर्म, तो भाई इंतज़ार करते हैं कस्टमर्स का। तो भाई काफ़ी देर में जाके एक कस्टमर आया, देखते हैं क्या ही प्राइस में ले रहा है हमसे गाड़ी को, पूछते हैं चलो। ओके क्या कह रहा है ये, ओ भाई
25,000 में सिर्फ भाई इतनी सस्ती देंगे क्या तेरे को? वैसे भाई बात कुछ ज़्यादा सही, पर अभी डाउन सेल कर रहे हैं यार, अब किसी और से इंतज़ार करते हैं, कोई और आएगा उससे पूछेंगे क्या ही प्राइस में। भाई काफ़ी देर हो गई, अब दूसरा दिन भी हो गया भाई, मैं गाड़ी को, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को गाड़ी ले जानी पड़ी भाई, गाड़ी ठुक भी गई थी भाई और डैमेज हो गया। अब दूसरा दिन हो चुका, देखो वेडनेसडे शुरू हो चुका है, कल तो हमारा हो गया नुकसान, आज देखते हैं सर क्या ही उसमें पूछ रहे हैं। ओके देखो भाई 63% दिखा रहा है डैमेज भी, देखो भाई ये तो 20,000 में, ओ भाई गॉड, अब भाई क्या करें, मैंने काफ़ी इंतज़ार करा ऐसे ही आ रहा है, तो भाई इन्हीं को सेल कर देते हैं, तो हमने गाड़ी कर दी है सेल, अब हमारा प्रॉफिट तो हुआ नहीं है भाई कुछ खास, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसके मोर पार्ट्स के लिए कमेंट जरूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।